नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय बेहद सरल है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही बढ़िया लाइफ में देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, आप सबने सुना होगा, एक बहुत ही आम बात है ये, और हर इंसान को लगभग इस चीज का पता है कि यदि आप अपने घर में बंद घड़ी रखते हैं तो आपका समय ठहर जाता है, समय आपका रुक जाता है, मतलब कि आपकी प्रोग्रेस होना रुक जाती है। ये बहुत साधारण सी बात है, लगभग हम सभी को पता है। अमुक ऐसी चीजें हैं जो वास्तु दोष पैदा करती है, जैसे कि घर में पानी, यदि आपके घर में नल में से पानी कंटिन्यू टपक रहा है, कहीं पर पानी बह रहा है, तो भी आपके घर में दोस्तों लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी। आपके घर में यदि आप मेन हॉल में ड्राइंग रूम के अंदर बहते हुए पानी की तस्वीर रखते हैं, तो भी दोस्तों घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है। यदि आपका समय बहुत खराब चल रहा है दोस्तों, और आप किसी व्यक्ति को बंद घड़ी उठा करके दे देते हैं, तो समझिए आपका बुरा समय चला जाता है, और उस व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है जिसको आप ये घड़ी दे देते हैं। तो घड़ी भी दोस्तों बहुत मायने रखती है। वास्तु दोष में काफी घर की ऐसी चीजें हैं जिनका बहुत महत्व है कि कौन सी चीज कहाँ कैसे रखनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ रखने से क्या परिणाम मिलते हैं। आज जो उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, ये उपाय बहुत ही सरल है। यदि आपका कोई ऐसा काम है जो काफी समय से ना हो रहा हो, काम में रुकावटें आ रही हो, या कोई ऐसा काम जो आप करने के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं उस काम में आपको सफलता हासिल हो, उस काम में आपको सफलता मिले, किसी काम में मतलब आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, किसी चीज में यदि आप अपनी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो मैटर आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ हो सकता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, या फिर मैं इस एग्जाम को देने के लिए जा रहा हूँ, इस एग्जाम में मेरे इतने परसेंट आ जाए, मैं ऐसे पास हो जाऊं, मैं ये इस जगह पर मकान खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मेरा मकान हो जाए, जमीन हो जाए, या इसके सिवाय भी जो भी आपकी इच्छा हो, उस इच्छा को दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपकी इच्छा कौन सी है, और रेड कलर के कागज पर आपको अपनी इच्छा लिखनी है। रेड कलर के कागज पर आपको अपनी इच्छा लिखनी है दोस्तों, आपको रेड कलर की पेन से ही अपनी इच्छा लिख देनी है, लेकिन ऐसे लिखे कि वो कुछ हद तक चमकता हुआ दिखाई दे, ठीक है। और दोस्तों, जहां आपके घर में घड़ी टंगी हुई है, आपके घर की घड़ी, घड़ी के बराबर पीछे आप इस कागज को चिपका दें, इस कागज को लगा दें, और उसके बाद आप कंटिन्यू दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी घड़ी बंद ना हो, और जो भी मतलब समय चल रहा है, जैसे कि 12 बजे हैं तो आपकी घड़ी में 12:05 होने चाहिए। जो समय एक्यूरेट चल रहा है दोस्तों, उससे हमेशा अपनी घड़ी को कुछ समय आगे रखें। ये बहुत ही अच्छी निशानी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज है ये। आपको अभी सुनने में ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। हमेशा अपना समय दूसरों से आगे रखें। आप जो घड़ी अपने हाथ में बांधते हैं, उसमें भी दोस्तों 5-7 हमेशा अपनी घड़ी का समय, जो समय है रेगुलर, उससे आगे रखें। और जब आप ऐसा कोई उपाय करते हैं, उस समय तो खास आप अपने घड़ी का समय आगे रखें। रोजिंदा जिंदगी में भी आप ये काम करके देखें दोस्तों, आपके घर में दिन प्रतिदिन पैसे आने लग जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस होने लग जाएगी, कोई भी आपका काम रुकेगा नहीं, शत्रुओं पर भी दोस्तों आपको विजय मिलेगी। सिर्फ अपना समय आगे रखें, दूसरों से अपने समय को हमेशा आगे रखें, और घड़ी के पीछे आप अपनी इच्छा लिख दें रेड कलर के पेपर पर,
रेड कलर की ही चमकीली पेन से आप अपनी इच्छा लिखें। घड़ी को दोस्तों दक्षिण दिशा में लगा करके बिल्कुल भी नहीं रखना जब आप एक क्रिया करते हैं। वैसे भी दोस्तों घड़ी दक्षिण दिशा में कभी भी मत लगाएं, लेकिन जब आप इस क्रिया को करते हैं तब दोस्तों खास इस चीज का ध्यान रखें। और आप अपने घर में ड्राइंग रूम में जहां एंटर हो रहे हैं आपके दरवाजा, ज्यादातर लोगों के घर में दरवाजों के बिल्कुल ऊपर घड़ी लगी हुई होती है दोस्तों, कभी भी घड़ी को आप अपने दरवाजे के बिल्कुल ऊपर ना लगाएं, ठीक है। उसे अपने घर में जैसे जहां आप बैठते हैं वहां से राइट हैंड साइड आप लगा दें। वो दिशा दोस्तों उत्तर दिशा हो ज्यादा बेहतर होगा, पूर्व दिशा हो चलेगा, पश्चिम होगा तो भी एक बार चलेगा, लेकिन दक्षिण दिशा में तो कभी भी आप घड़ी को ना लगाएं, ठीक है। तो बहुत साधारण सा उपाय दोस्तों, सिर्फ इस जगह आपको अपनी इच्छा लिखनी है और अपनी घड़ी को समय से थोड़ा आगे रखना है। कुछ ही दिनों में दोस्तों आप देखेंगे कि आपका रुका हुआ काम होना शुरू हो जाएगा और जो भी काम आप करने के लिए घर से निकलते हैं उस काम में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। छोटा सा ये टोटका है दोस्तों, इसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। यदि आपको और कोई ग्रह दोष नहीं है और कोई जैसे कोई टोना टोटका आपके ऊपर नहीं किया गया है, कोई नेगेटिविटी आपके साथ नहीं है, तब तो दोस्तों आपने समझो आज ये काम किया है और कल से ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कोई और भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब कर रही होती है जिससे आप जो क्रिया करते हैं उसका परिणाम आने में थोड़ा समय लगता है। तो करते रहें, कोई भी काम करें पॉजिटिव होकर के और थोड़ा सा पेशेंस रख करके करें, रिजल्ट जरूर आएगा। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।